नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र, डूब प्रभावितों की समस्याओं का किया जिक्र। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मिलने का मांगा। मध्य प्रदेश की राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद। कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर भी मेडिकल शॉप के संचालक पर हुआ हमला, दवाई के पैसे मांगने पर हुआ विवाद। और मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,597 नए केस आए सामने। 3,063 लोग ठीक होकर लौटे अपने घर। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने टेम और सुठालिया परियोजना के डूब प्रभावितों की समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी तक मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया तो डूब प्रभावितों के साथ 21 तारीख को मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठेंगे। मध्य प्रदेश के दो सिंचाई बांध, एक टेम नदी पर, एक पार्वती नदी पर, जिससे कि 4 जिलों के किसानों की जमीनें डूब में जा रही हैं, ठेके हो गए। जो एक हियरिंग होना चाहिए, पब्लिक हियरिंग होना चाहिए, वो नहीं हुई और लोगों के खेत खुदने शुरू हो गए, लेकिन आज तक मुआवजे का निर्णय नहीं हुआ। विदिशा जिले की लटेरी, भोपाल जिले के बैरसिया, गुना जिले के राहुगढ़ तहसील और राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील, इनके हजारों किसानों की ना मुआवजे तय हुए, सर्वेक्षण तक नहीं हुआ। कुएं का, पाइपलाइन का, घरों का, पेड़ों का कोई अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ, जिसकी मैं मांग करता चला। मैं खुद गया हूँ इन गांव में, रात को रुका हूँ इनके गांव में। मैंने खुद मुख्यमंत्री से लगभग 1.5 महीने से समय मांग रहा हूँ कि आप इस डेलीगेशन से मिल लीजिए। कोविड में मैं भीड़ नहीं चाहता। हर जिले से 5-5 लोगों का डेलीगेशन, 5-5 मिनट का, मैंने 20 मिनट का समय मांगा है और इसका मैंने इस प्रतिनिधिमंडल को मुख्य सचिव से भी मिलवाया है। लेकिन मुख्य सचिव जी का ये कहने का आदेश करने के बावजूद भी अभी किसानों में संतोष नहीं है। हालांकि कुछ काम उनके कहने से सर्वेक्षण होना शुरू हुआ है। क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो कि अपने आप को किसान पुत्र कहता है, किसानों के खेत डूब रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, उसकी मांग यदि भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद अगर मिलने का समय मांग रहा है और आपके पास 1.5 महीने से 20 मिनट का समय नहीं है? मैंने उनको सचेत कर दिया है कि आपने यदि 20 तारीख तक समय नहीं दिया तो मैं 21 तारीख को आपके घर के सामने बैठकर धरना दूंगा। जब तक आपसे मुलाकात नहीं होगी तब तक नहीं उठूंगा और मेरे साथ उन 4 जिलों के डूब क्षेत्र के लोग भी रहेंगे, मैं आपको सूचित कर देता हूं। भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू है, लेकिन अभी भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक मेडिकल शॉप के संचालक पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने मेडिकल से दवाई ली और जब पैसे मांगे गए तो उन्होंने हमला कर दिया। अब इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। मध्य प्रदेश में कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 7,597 नए प्रकरण सामने आए हैं। वहीं ठीक होकर अपने घर जाने वाले लोग 3,063 है। ऐसे में रिकवरी दर 93.43 है तो वहीं संक्रमण दर 9.82 बनी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की माने तो 43,973 एक्टिव केस हैं। मंत्री मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना पर बात करने के साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और कोरोना के कारण प्रदेश 3 साल पीछे चला गया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हिंदू और हिंदुत्व को बांटने का आरोप भी लगाया। मिश्रा का कहना है कि हिंदुओं को अपमानित करना कांग्रेस के DNA में है। कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती है। सुनिए उनका बयान। कोरोना के क्षेत्र में
कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 7,597 नए प्रकरण आए, जबकि ठीक होके अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 3,063 लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में रिकवरी दर 93.43 है, 93.43 है, जबकि संक्रमण दर हमारी 9.82 बनी हुई है। संपूर्ण प्रदेश में एक्टिव केस वर्तमान में 43,973 प्रदेश के अंदर है। कल जो सैंपल लिए गए 77,379 सैंपल संपूर्ण प्रदेश के अंदर लिए गए हैं। पुलिस के हमारे जवान कल 116 नए संक्रमित हुए हैं। ऐसे वर्तमान में 705 पुलिस के जवान इन ऑल अभी एक्टिव केस हैं, संक्रमित हैं। ये कांग्रेस के ऊपर आप पता नहीं क्यों उनके सवालों को जवाब देते हो। ये वही कांग्रेस है, ये वही कमलनाथ है जो कि महिलाओं के लिए अलग से शराब बेचने वाले थे, घर घर पहुंचाने का सिस्टम कमलनाथ जी करने वाले थे। इनकी बगल में छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार है, वहाँ शराब का क्या हाल है। अब पंजाब में उनकी कांग्रेस की सरकार है, वह कांग्रेस में शराब का क्या हालत कर दिया, उड़ता पंजाब बना दिया है। ये क्या सवाल करेंगे कांग्रेस के। सितारगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क कर शहर और गलियों के अंदर भगवान श्री राम के कैलेंडर बांटे हैं। इस मौके पर आदेश ठाकुर ने बताया कि आने वाले चुनाव में सौरभ भैया को ही विजय बनाना है, क्योंकि उन्होंने शहर का विकास किया है और हर गरीब आदमी की समस्याओं का समाधान भी किया है। सौरभ भैया के कार्यों को देखते हुए शहर का हर एक व्यक्ति उन्हीं को वोट देगा और हर हाल में भाजपा पार्टी से सौरभ बहुगुणा को विजय बनाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। सितारगंज में हमको एक ऐसे विधायक के रूप में माननीय सौरभ बहुगुणा जी मिले हैं जिन्होंने सितारगंज में विकास की गंगा बहा दी है। सौरभ बहुगुणा जी चाहे आरटीआई हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे रोडवेज हो, तमाम विकास कार्य किए गए हैं। वार्ड नंबर 4 में लाइब्रेरी बनाई है, तमाम विकास सौरभ बहुगुणा जी द्वारा किए गए हैं। उनके विकास कार्यों को हम लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि माननीय सौरभ बहुगुणा जी को आने वाली 14 तारीख को भारी बहुमत से मतदान करने की मतदान करें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।